রাজ্যসভায় নরেন্দ্র মোদি সরাসরি নজর রাখব সেই দিকে। মা বিমার হ্যাঁ এক কমরে মে লেকিন বেটা উস কমরে মে প্রবেশ ন কর পায়ে পুরে মানব জাত কে লিয়ে ये कितना बड़ा संकट था और अभी भी ये संकट बहुरूपिया है, नए नए रंग रूप लेकर के कभी न कभी कुछ न कुछ आफतें लेकर के आता है और पूरा देश और पूरी दुनिया पूरी मानव जात उससे जूझ रही है, हर कोई रास्ते खोज रहे हैं। आज 130 देश करोड़ के भारत के लिए दुनिया में जब प्रारंभिक कोरोना का प्रारंभ हुआ चर्चा यही थी भारत का क्या होगा और भारत के कारण दुनिया की कितनी बर्बादी होगी, इसी दिशा में चर्चा हो रही थी। लेकिन ये 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य और उन्होंने जो भी जीवन में उपलब्ध था उसके बीच भी डिसिप्लिन का पालन करने का प्रयास किया कि आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है और इसका गौरव ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये अचीवमेंट देश का है, 130 करोड़ देशवासियों का है। अच्छा होता इसका यश लेने की भी कोशिश करते आप लोग तो आपके खाते में कुछ जमा होता, लेकिन अब ये भी सिखाना पड़े। खैर, वैक्सीनेशन के संबंध में अभी प्रश्नकाल में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने विस्तार से बात तो बताई है कि जिस प्रकार से भारत वैक्सीनेशन बनाने में, इनोवेशन में, रिसर्च में और उसके इंप्लीमेंटेशन में आज भी दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन वैक्सीन से मेरा लाभ हो या न लाभ हो, लेकिन कम से कम वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा, इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। सिर्फ खुद की रक्षा करने का विषय होता तो लू या न लू विवाद होता, लेकिन जब उसके मन में विचार आया कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी डोज लेना है तो मैं ले लूं, और उसने ले लिया, ये भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य से, इस सभी आदरणीय सदस्यों से इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में
रुकावटों की बार बार ऑब्स्टेकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है, जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम कर करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इसी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन आया तब भी बहुत समझदारी के साथ कईयों से चर्चा करने के बाद थोड़ा साहस की भी जरूरत थी कि गांव में किसानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। निर्णय मेरा महत्वपूर्ण था लेकिन किया और उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बंपर पैदावार की और एमएसपी ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कैसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी लेकिन उसको कर पाए। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। इसी कोरोना कालखंड में हमारे देश के युवाओं ने खेल जगत के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारा परचम फहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। आज पूरा देश कर तम की छाती, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान जग के मस्तर पर रोली सा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। अटल जी के शब्द आज के इस कालखंड में भारत की के सामर्थ्य का परिचय कराते हैं। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में सभी क्षेत्रों को रुकावटों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र थे जिस पर थोड़ा विशेष बल भी दिया गया क्योंकि वो व्यापक जनहित में आवश्यक था, युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक था। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया उसमें से मैं 2 की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेतीबाड़ी क्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावट ना आए उसको निश्चित किया और उसी के वजह से मैंने वर्णन किया बंपर क्रॉप हुआ, सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की।
महामारी के बावजूद गेहूं धान की खरीदी के नए रिकॉर्ड बने, किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला, पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, क्योंकि पंजाब में पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा गया। उन्होंने कहा था, मेरा खेत तो उतना ही साइज है, हमारी मेहनत उतनी है, लेकिन खाते में इतना रुपया एक साथ आता है, ये पहली बार जिंदगी में। इससे संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही। ऐसे कदमों से ही इतने बड़े सेक्टर को शॉक्स और डिसरप्शन से हम बचा पाए। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर, ये उन सेक्टरों में था जिसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। अलग अलग मंत्रालयों ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की, उससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला। भारत अब लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी, इस क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम उत्साहजनक परिणाम दे रही है। जब इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, और वो भी ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होता है, तो स्वाभाविक है दुनिया के देशों से ऑर्डर भी मिलते हैं, ज्यादा अवसर भी मिलते हैं। और सत्य ये है कि इंजीनियरिंग गुड्स जो बड़ी मात्रा में एमएसएमई बनाते हैं, इस समय जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा बड़ा बना है, उसमें ये इंजीनियरिंग गुड़ का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये भारत के लोगों के कौशल्य का और भारत के एमएसएमई की ताकत को प्रदर्शित करता है। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम देखें, यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, एमओयू जो हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, एमएसएमई क्षेत्र के लोग आ रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में, ये अपने आप में उत्साहवर्धक है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है और देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं, आगे आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई को जेम, उसके माध्यम से सरकार में जो सामान की खरीदी होती है, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है और वो प्लेटफॉर्म के कारण आज बहुत सुविधा बनी है। उसी प्रकार से हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, वो निर्णय ये है कि सरकार में 200 करोड़ से की दृष्टि नहीं, उसे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है और उसका लाभ रोजगार के क्षेत्र में सीधा सीधा होता है। आदरणीय सभापति जी, साल 2021 में, यानी सिर्फ एक साल में, भारत में जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं वो पहले के वर्षों में बने कुल यूनिकॉर्न से भी ज्यादा है। और ये सब रोजगार की गिनती में अगर नहीं आता है तो फिर तो रोजगार से ज्यादा राजनीति की चर्चा ही मानी जाती है। आदरणीय सभापति जी, कई माननीय सदस्यों ने महंगाई की भी चर्चा की है।
100 साल में आई इस भयंकर वैश्विक कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अगर महंगाई की बात करें तो अमेरिका में 40 साल में सबसे अधिक महंगाई का ये दौर अमेरिका झेल रहा है। ब्रिटेन 30 साल में सबसे अधिक महंगाई के मार से आज परेशान है। दुनिया के 19 देशों में जहां यूरो करेंसी है वहां महंगाई का दर हिस्टोरिकली हाईएस्ट है, उच्चतम है। ऐसे माहौल में भी महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया है, ईमानदारी से कोशिश की। 2014 से लेकर 2020 तक ये दर 4 से 5% के आसपास थी। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी, यूपीए के समय डबल डिजिट छू रही थी। आज हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं। बाकी दुनिया की इकोनॉमी को देखें तो वहां की अर्थव्यवस्थाओं में या तो ग्रोथ स्लो हुई है या फिर महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। मैं जब इस प्रकार की निराशाएं देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जय पराजय होता रहता है, उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए। विकृति बन जाएगी तो हो सकता है कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा है, ताकत है, वो दुनिया में पहुंचेगी और काम होगा। आदरणीय सभापति जी, आयुष्मान भारत के तहत 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज कार्यरत है और हर प्रकार की आधुनिक से आधुनिक सेवाओं करने के लिए उनको सजाया जा रहा है। ये सेंटर गांव और घर के पास ही फ्री टेस्ट समेत बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधा दे रहे हैं। ये सेक्टर कैंसर, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने के में मदद कर रहे हैं। 80,000 सेंटर बने हैं और इसको हम और बढ़ाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों में भी, गंभीर बीमारियों में भी उनको स्थानीय स्तर पर मदद मिलने की संभावना है। आदरणीय सभापति जी, वैसे पुरानी परंपरा ये थी कि बजट के पहले कुछ टैक्स लगा दो ताकि बजट में चर्चा न हो, बजट में दिखे नहीं और उस दिन शेयर मार्केट गिर न जाए। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उल्टा किया। हमने बजट के पहले 64,000 करोड़ रुपए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्यों के अंदर बांटे। अगर ये चीज हम बजट में रखते तो और बहुत बड़ा बजट शानदार दिखता। शानदार तो है ही है,
और शानदार दिखता, लेकिन हम उस मोह के में रखने के बजाय कोरोना के समय इसकी तत्काल व्यवस्था करने के लिए हमने पहले इसको किया और 64,000 करोड़ रुपए हमने इस काम के लिए दिए। आदरणीय सभापति जी, इस बार खड़गे जी बड़ा विशेष बोल रहे थे और कह रहे हैं कि मैं उस पर बोलूं, इधर उधर ना बोलूं, लेकिन वो क्या बोले हैं उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया। आदरणीय सभापति जी, ये सदन में ऐसे ही हंसी मजाक में कही गई बात नहीं थी, ये उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है। और वो है, कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ है और उसी के कारण ये समस्या होती है और इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से है। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव पाए। आदरणीय सभापति जी, ये 47 में पैदा हुए हैं ना, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत मदर इंडिया, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाएं। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी, क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो।
महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के